जब अचानक से मेहमान आ जाए या छोटी मोटी भूख हो या शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा खाने का मन करे तो बिना सोचे इस कुरकुरे मजेदार झटपट बनने वाले नए नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिए, जिसकी तैयारी आप पहले से करके रख सकते हैं और फिर फटाफट 5 मिनट में सर्व कर सकते हैं। साथ में हम तीखी चटपटी चटनी भी बनाएंगे, तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले घर में डालिए 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ। कुछ सेकंड के लिए दरदरा कूट लें। दरदरा कूट लिया है और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1/2 कप चावल का आटा। तो ये नाश्ता आप चावल को 4 से 5 घंटे के लिए फुला के पीस के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको एकदम से कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है या मेहमान आ जाए तो इस तरीके से चावल के आटे से भी बना सकते हैं। और अब हम डाल देते हैं 1/4 कप यानी 4 चम्मच बेसन। तो थोड़ा सा बेसन डाल देने से बाइंडिंग मिलेगी। और अब हम एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस के लिए डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सूजी। सभी चीज़ों को मिला लें। मिलाने के बाद हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। तो पहले 1/2 कप डालें, तो बिल्कुल भी ज़्यादा पानी का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर आप कच्चे चावल को पीस के इस नाश्ते को बनाना चाहते हैं तो जब चावल पीसिएगा ना दोस्तों, तो पानी धीरे धीरे ही डालिएगा ताकि बैटर बिल्कुल भी गीला ना हो। फिर से पानी डालें। तो लीजिए, मिला लिया है और बिना गाठी गुठली पड़े स्मूथ और थोड़ा गाढ़ा बैटर हमारा तैयार है। और अब हम थोड़े से मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डाल दीजिए कूटा हुआ मसाला, धनिया, सौंफ, जीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चुटकी हींग, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 चम्मच धनिया पत्ती और 8 से 10 बारीक कटा करी पत्ता। तो हमने 1 हरी मिर्च डाला है, इसलिए यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक डाल रही हूँ। तीखा आपको ज़्यादा पसंद है तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब चटपटा स्वाद के लिए डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो आज मैं हल्दी पाउडर नहीं डाल रही हूँ, इसी तरीके से बनाइए, कलर बहुत बढ़िया आता है। तो लीजिए, मिला लिया है। करीब 1 मिनट तक बैटर को फेंट लें। जैसे जैसे फेंटिएगा ना, बैटर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और थोड़ा ढीला हो जाएगा। तो करीब 1 मिनट के लिए मिला लिया है। और अब बहुत ज़रूरी है कि 2 से 3 मिनट के लिए बैटर को आराम करने दें ताकि सूजी, बेसन और चावल आटा फूल जाए। तब तक इस नाश्ते के साथ खाने के लिए हम बहुत ही आसान चटपटी चटनी बना लेते हैं। और अब चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ का लाल पका टमाटर। टमाटर को धो लिया है और मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का मोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, 5 से 6 लहसुन, 1 इंच अदरक, 1 से 2 लाल सूखी हुई लाल मिर्च। तो अगर आपको बहुत स्पाइसी चटनी पसंद है तो मिर्ची 1-2 और बढ़ा सकते हैं। और अब 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली डाल दें। मूंगफली को 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। और अब नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। तो प्याज टमाटर में रस होता है, इसलिए इस टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा पानी ना डालें। तो हम 2-3 चम्मच पानी डालते हैं और पीस लेते हैं। तो लीजिए, पीस लिया है और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और अब हम चटनी में तड़का लगाएंगे। तो एक पैन में डालिए 1 चम्मच ऑयल, 1/2 टीस्पून जीरा, फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा, 1/4 टीस्पून काली सरसों, 1 चुटकी हींग। तो दोस्तों, इस टाइम आप ना 1 सूखी लाल मिर्च या हरी मिर्च तड़के में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे रंगत बहुत बढ़िया आएगा। साथ में 8 से 10 करी पत्ता डाल दें, मिला लें। जैसे ही मिलाइए तुरंत डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच पानी, ताकि जो हमने लाल मिर्च डाला है ना वो ना जले। फ्लेम को मीडियम कीजिए और तुरंत डाल दीजिए ये प्याज टमाटर मूंगफली का पेस्ट। और अब हम मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि प्याज टमाटर से कच्चापन चला जाए। ध्यान दीजिएगा, हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही 1 उबाल आएगा हम फ्लेम बंद कर देंगे। और दोस्तों, ठंडे होने के बाद चटनी गाढ़ी हो जाएगी। अगर आपको पानी और डालना है तो 2-3 चम्मच इसी टाइम पानी डाल सकते हैं। टोटल मैंने अभी तक 6 से 7 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। और इस टाइम एक बार नमक ज़रूर चख लीजिएगा, कम होगा तो डाल लीजिएगा। तो लीजिए, उबाल आ गया है, फ्लेम बंद कर दें। और फ्लेम बंद करने के बाद 1/2 टीस्पून नींबू का रस। और अब हम चटनी को सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है
बहुत ही सिंपल तरीके से फटाफट बनने वाला प्याज टमाटर का तीखी चटपटी चटनी, जिसे आप किसी भी प्रकार के स्नैक या फिर चीला पराठा या दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। हर खाने के स्वाद को चार गुना बढ़ा देगी। और हमने प्याज टमाटर को पका के लिया है, इसलिए 2 दिन तक फ्रिज में खराब भी नहीं होते। तो देखिए कितना चटकदार दिख रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर 5 मिनट भी हो चुका है और बहुत ही अच्छे से सभी चीजें फूल चुके हैं। तो इसी तरीके का हमें गाढ़ा सा बैटर चाहिए। टोटल मैंने 200 ml पानी का इस्तेमाल किया है। तो आप इस तरीके से बैटर बना के पहले से रख सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बैटर थोड़ा गाढ़ा ही रखिएगा, और अगर ज़रूरत महसूस होगी ना तो बाद में 1-2 चम्मच पानी मिला के थोड़ा पतला कर लीजिएगा। और जब नाश्ता बनाना हो तो आखिर में डाल दीजिए 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा, यानी खाने का सोडा। तो थोड़ा सा ही सोडा डालना है, तो सोडा अच्छे से मिल जाए इसलिए हम बस 1/2 छोटी चम्मच पानी डालते हैं और मिला लेते हैं। तो सोडा मिलाने से पहले ही तेल को गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार चावल के कुरकुरे पकौड़े बनाने वाले हैं। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं, बहुत हुए धार हम गर्म नहीं करेंगे। और चम्मच या इस तरीके से थोड़ा सा बैटर लेते हुए हम अंगूठे से धक्का देते हुए ऑयल में डालेंगे इस प्रकार। डालने के टाइम फ्लेम कम रखिएगा ताकि एक जैसा कलर आ पाए। तो फटाफट हम पहले डाल देते हैं। तो हम बहुत बड़े साइज का नहीं बनाएंगे, थोड़े छोटे ही बनाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद पकौड़े फूल जाएंगे। तो एकदम से तेल का तापमान कम नहीं हो इसलिए अब हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देते हैं, यानी कि मीडियम कर देते हैं। बिल्कुल भी सिकने में वक्त नहीं लगता है। ध्यान देने वाली बात, आपको हाई फ्लेम या फिर लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, वरना ऑयली हो सकते हैं। तो हम 2 बैचेस में बनाएंगे। तो अभी आपको बिल्कुल भी स्पैचुला नहीं डालना है, धीरे धीरे जब पकने लगेंगे ना तो खुद ब खुद ऊपर की ओर तैरने लगेंगे। इसी तरीके से कुछ सेकंड के लिए पकने दें। तो कुछ सेकंड में आप देखेंगे कि सिकना शुरू हो गए हैं। तो बस हम धीरे से पलटी कर लेते हैं। आँच आपको अगर तेज लगे तो फ्लेम को कम भी कर सकते हैं। तो लीजिए पलटते पलटते प्यारा सा कलर आ चुका है, और देख के पता चल रहा होगा कि कितने करारे हो गए हैं। तो बस हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। तो बस प्लेट में निकाल लें। तो बस इसी तरीके से हम लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकंड बैच बना लेंगे। तो लीजिए सेकंड बैच को भी तल लिया है। तो आपको अगर लाइट शेड में फ्राई करना है, यानी कम क्रिस्पी करना है, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो बस हम ऑयल से निकाल लेते हैं। सबसे अच्छी बात, बेसन वाली पकौड़ी से कई गुना बेहतर इसका टेस्ट आपको लगने वाला है। तो बस हम गर्मा गर्म अब सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है। और जैसा मैंने कहा कि आप सेम स्टेप फॉलो करते हुए कच्चे चावल को 4 से 5 घंटे के भिगो के और पीस के भी बना सकते हैं। और अब हम इस चटपटी प्याज टमाटर की चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से इस चटपटी चटनी और चावल के कुरकुरे मजेदार झटपट बनने वाले नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिए। सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपना कीमती लाइक जरूर दीजिएगा। आपका नाश्ता चटनी कैसा बना ये भी बताइए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है। तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से हल्के फुलके सॉफ्ट और फ्लेवर से भरे हुए हैं, बहुत ही स्पॉन्जी है। तो सारे के सारे पकौड़े बहुत ही करारे बने हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है, कैसा बना बताइएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप चाहे तो मुझे अपनी पेज शामली किचन इंस्टाग्राम शामली किचन पे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।